आखिर किस वजह से बाकी सारे सोशल मीडिया साइट्स पर ये लेकर आ रहा है कि भाई अर्चना गौतम का चल गया जलवा, या फिर जो कह लो कि अर्चना गौतम छा गई, या फिर अगर अर्चना की भाषा में कहा जाए तो अर्चना चल रही है भैया। और ये चीज़ बहुत सही भी लग रही है भाई, क्योंकि ये मतलब जिस हिसाब से अर्चना जो हैं, जैसे वो बिग बॉस का उनका जर्नी ख़त्म हुआ है और उसके बाद जब से घर से बाहर आई हैं भाई, लिटरली उन्होंने ना बिग बॉस के घर में एक बात बोली थी कि जब बिग बॉस के घर से बाहर निकलूंगी ना क्षेत्र में जाऊंगी भौकाल हो जाएगा। और इस समय जो तस्वीरें सर्कुलेट हो रही हैं ये तो यही दर्शा रहा है कि भौकाल हो चुका है। तो आखिर क्या भौकाल हुआ है, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। अर्चना गौतम भाई हर जगह पर छाई हुई है, हर जगह पर दिखाई दे रही है। अभी हाल ही में अर्चना गौतम ने अपनी एक तस्वीर है जो लॉन्च की है, और क्या किया है इस तस्वीर में और क्या बता रही है वो मैं दिखा देता हूँ पहले आपको। आप देख सकते हो कि ये अर्चना ने एक तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पे शेयर की है। इस तस्वीर में अर्चना बोलती है, हो गई भैया ट्रैक्टर की रैली मेरठ में, थैंक्स फॉर द लव। और तीन तस्वीरें इसके शेयर की जिसमें इनके भाई गुलशन इनके साथ देखे जा सकते हैं, ये आप देख सकते हो। इस पर जनता का क्या रिएक्शन है, जनता का क्या क्या रिप्लाई है अर्चना गौतम के बारे में, और क्या क्या जनता कह रही है अर्चना गौतम को लेकर। कोई कह रहा है कि भाई ट्रॉफी कोई भी जीते, दिल तो अर्चना ने ही जीता है। फिर कोई कह रहा है कि अर्चना तुमने तो सच में धूम मचा दी भैया। फिर कोई कह रहा है कि चलो अर्चना चल रही है भैया फाइनली देख लो। फिर कोई लग रहा है कि क्या बात है अर्चना जी, अर्चना रॉक और अर्चना एंड शिव रॉक, बस यही दो तो कंटेस्टेंट थे जिनको देखने में बिग बॉस के घर पर मज़ा आया। फिर कोई लग रहा है कि भाई हमारी शेरनी फाइनली मेरठ आ गई। फिर कोई लग रहा है कि अर्चू महान है, हमारे दिल की शान है, उन पे हम कुर्बान हैं। फिर कोई लग रहा है कि इट्स ऑसम कैसे अर्चना गौतम अपने बेसिक्स पर वापस जा रही हैं और कामयाबी सर नहीं चढ़ा रही, मोर पावर टू हर। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है अर्चना गौतम के बारे में, ज़रूर बताएगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।